गाइस बाहर की टाइल्स और लाइट लग गई हैं, तो हम अभी रात चुप दोनों मेरे नकल उतार देंगे। ओके हम आए हैं इधर और फिर गाइस नए वाले घर में आए हैं, टाइल्स लग गई हैं, लाइट ऑन की है। गाइस कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट? अभी एक ही वॉल पे कंप्लीट हुआ है। जैसी इधर आई आ देख, अभी तो चल रहा है काम। आ रहा बेटा मत करो, अभी तो जस्ट आज फर्स्ट डे रात को हमने जला के देखा। ये लाइट ऑफ करूँ मैं अपनी? हाँ, अरे मैं अपनी ऑफ की थी ना, फोन दी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे फोन देना वाइट वेट लग रहा है। नाइट मोड वेट कर, नहीं ठीक लग रहा है तो देखते सही। ब्राइटनेस कटा देना है, इथे हमें सेलेक्ट कर। नहीं ठीक है गाइस, ये देखो कोई। ये देखो अभी तो क्लीन होगी ना, अभी तो यार पहला स्टेप है। आज न्यू घर का गेट ओपन है, स्लाइडर वाला गेट खुला हुआ है। इधर वाला हमने स्लाइडर वाला करवा लिया ना, और इधर गाड़ी नहीं अभी खड़ी क्योंकि बिजली का काम हो रहा है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, और मैं बिजली ही बोला मैंने, नहीं बोला बिजली। फेक एक्सेंट नहीं होता मेरा कभी भी, एंड आई हेट जो फेक एक्सेंट में बात करती हैं। हाँ मैं बोलती नहीं कभी अद्दा। ये देख लो गाइस, ये पिलर जो कल नहीं थे ना, ये हमने ये वाले ऑर्डर किए हैं। जो पहले लगा था ना घर में, वो ऐसा था समथिंग लाइट गोल्डन ब्राउन में। ये हमने थोड़ा सा और वुडन टोन में हमने लिया, क्योंकि जो अब मिला मार्केट में और जो मेरी ये टाइल्स के साथ मैच कर रहा था। एंड अभी गाड़ी हमारी इधर कहीं आगे करके हमने प्लाट वगैरह में खड़ी की हुई है रैंडम। अच्छा चलो फिर। ओ वाओ अब ये आई हैं, देख ले ऐसा कर दे पहले, क्या भी ला के ले आ। ये और चलो ये भी चेंज होगा, ये कल परसों में चेंज होगा। पहले ये इसको तोड़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ पीसेस निकाल के ऊपर वाले वहाँ पे और वहाँ पे पल्ले में लगेंगे। एंड ये ब्राउन वाला कैसा लग रहा है आपको? ये कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर लग रहा है वो। और चल ये हमें न्यू अलमारीज के लिए, सॉरी यार घर में ऐसे ही गंदा है, क्या करें, सीमेंट की बोरियाँ हैं। सनमाइका हैं, हम पसंद करते हैं एसी वाले कमरे। चल क्यों तो कौन दा की है, पखा बत्ती भी नहीं चलाता मैं, ऐसे ट्यूब भी नहीं लाई हुई इसे। चलो पखा ले, नीरज क्यों आ गया उठ ही चल फिर। आहो मैं कहा गर्मी को लग गई है, मैं पखा ही बंद करता हूँ। कितना लगेगा?
किचन वास्ते होंगे किचन वास्ते तो मैं मार्बल वाला सोचो है तेरा हजे बल्ब भी तो एडा वड्डा है चलो ब्लैक ग्रे वे फोन दी आंखा नाल देख ली है मैं फोन नाल नहीं मैं पहले ही देख लिया सी कि इट्स अ ग्रे आ देख आ मार्बल है पूरा लाइमस्टोन लाइमस्टोन माइलस्टोन पर दी पहला तो उस घर दे ने सारीया ना वुडन च करा लिया ने इस घर दी सारीया बदल दूंगी मैं व्हाइट मार्बल और जिदे च गोल्डन टच होवे पहले तो मैं फोन बंद करा हाँ ठीक है हाँ तो जेड़े व्याह वाले लफाफे नहीं आते डिजाइन में आपके समझ लो आई भी नहीं फोटो एडी खींच लेना पूरे लेकिन उस दिन कैसी है थोड़ी जी रफ जी लगती है देखी चुभे तेन कुछ चुभे तेन कुछ रंग गाइज ये ना भाई का टीवी स्टैंड है ठीक है भाई का टीवी स्टैंड सिर्फ टीवी लगाता है और तो इसमें और कोई स्पेस नहीं है बट बेचारे के कमरे में ना बड़े कंजस्टेड हो रहा था सब सिस्टम सा तो ये जगह हमने सारी यहाँ पे टीवी स्टैंड होता था ना इसको खाली कर लिया ठीक है तो यहाँ पे नई अलमारी आएगी वो आ जाएगी कल परसों आपको दिखाऊंगी मैं लाइटें वाली तो ये टीवी स्टैंड अब जा रहा है मेरे नए वाले घर में इसको हम आई थिंक पेंट वेंट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे स्पेस है ना तो टीवी वाले कमरे में मुझे वैसे भी कुछ बाय करना ही था ऐसा तो इसको थोड़ा सा हम अपनी अलमारी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे ऑलरेडी कबर्ड्स बन रहे हैं थोड़ा सा पेंट वेंट कराएंगे थोड़ा सा क्लीन अप सा करवाएंगे ऑल नया सेट करके नया यहाँ पे हम सोनी का बड़ा वाला टीवी लेंगे और यहाँ पे हम लगा सकते हैं इसके थोड़े से लुक वुक से चेंज करके ठीक है तो मैंने बोला इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है ये वो करने की ज़रूरत क्योंकि नया था यार मन नहीं कर रहा था बट टीवी लगाने के लिए भाई वैसे भी इतना टीवी देखता ही नहीं है आरव के रूम में हम रख देंगे ना लिविंग रूम में तो ये अब जा रहा है एंड साथ में ये नया हमने वो मंगवाया था ना क्या था यार देखा ही था आपने किसी ना किसी ब्लॉग में वॉश बेसिन वो जा रहा है अभी टेम्पो आया टेम्पो है
टेन ना करी। अब ये मेरा सामान है समझे। अब नाउ दिस प्रॉपर्टी इज माइन, आई मीन दिस थिंग इज माइन प्रॉपर्टी वट एवर। हाँ मेरे एकदम बढ़िया तरीके से लेके जाना बेटा, इसलिए एकदम एकदम पॉलिश वॉलिश करवा के एकदम नया पेंट वेंट करा के एकदम नया तैयार है। गाइस ये देखो नए वाले घर में आ गई। ये हमारा टीवी वाला रूम है, ठीक है, लिविंग रूम। तो मेरा रूम है, मेरा। अच्छा भी एक सेकंड रुको, ये हम इधर से एंटर करेंगे ना रूम में, ये इधर से हम एंटर करेंगे रूम में। तो ये जो अभी यहाँ पे रखा है ना सामान, ये टीवी, ये यहाँ पे आने वाली है। अभी हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि अभी वुडन काम चले, इनका सनमाइका नया नया पड़ा, तो हमें अभी इनको हाथ नहीं लगाना। रूम अभी बहुत मैस से, कोई बात नहीं बेटा, वो अपने पेंटर निकालेगा जो उसको नया बनाएगा, पेंटर ये कलर का कर देगा ना इस कलर का। ये हमने कबर्ड्स बनवाई है ना बड़ी बड़ी, तो इस कलर का ये पेंटर कर देंगे अपने हिसाब से। तो ये हम इसको इधर रख देंगे, इसको बड़ी भी लग जाएगा, उधर एल शेप सोफा आ जाएगा। चलो ये भाई ने अपने रूम में एक नई अलमारी खरीदी है, ये देखो, ठीक है, ये एक तो ऐसे ऊपर करके ऐसे करके इन्हों खुल जाता है, ठीक है, बाकी दूसरा ये स्लाइडर है। ये देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वीडियो दी। अबे लड़दे ही रहेंगे दमा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा गाइस इधर का स्लाइडर ओपन किया, स्लाइडर इसलिए लिया ना क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी ना खुलने की, तो वो उधर का आप देख ही सकते हो, ठीक है। अरे भाई मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तेनू बाद जल्दी पई हुई है, जा जना क्या, ठीक है। तो ऐसे हेल मारी, देखने देगा आपको तब ना, बस ऑटो लॉक है क्या, नहीं नीचे है ऐसे, ये ऐसे के स्पेस है, दोनों तरफ है, उस तरफ भी है। तो चलो जी अड्डा वड्डा पैर लीजिए रख ले डिगल किसी ना। तो ये गाइस अलमारी है, एने ना सला एने स्लाइडर खोल खोल के हिला दे स्लाइडर पर बैठा रही। चल 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 तू नाम से लिख ना, चल निकल, चल तू भी निकल, चल ऐसे रिकॉर्ड करो गाइस, ऐसे मेरे को मुंह बना के दिखाता है। चलो मैं जा रही हूं।